रही, मैं हूँ आपका दोस्त मंशा तार। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम आपको रोड साइड बिजनेस के बारे में बता रहे हैं। आज हमारा ये तीसरा जो बिजनेस है ये है टी शर्ट और ट्राउज़र का। हमारे एक भाई आमर जवाद साहब हैं जिन्होंने ये बिज़नेस किया हुआ है, और उनका कहना ये है कि पढ़ लिख कर घर में बैठ जाने से बेहतर है कि कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस किया जाए। इन्होंने भी ये बिज़नेस किया। हम इनसे पूछेंगे कि ये ट्राउज़र और टी शर्ट का बिज़नेस कैसा जा रहा है और बिजनेस से मुतमिन है, और ये किस तरह करते हैं, और ये कहाँ से लेकर आते हैं और यहाँ लाकर बेचते हैं। ये सारी बातें हम उनके साथ करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब आमर जवाद साहब। जी आमर जवाद साहब, आपसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने सड़क के किनारे पर ये छोटा सा बिजनेस जो है ये कर रखा है। हम इसके बारे में आपसे पूछेंगे, तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आपकी तालीम क्या है। अच्छा, आपने ऐसे किया, तो आप मुझे ट्राउज़र टी शर्ट का बिजनेस इस तरफ क्यों आए? थोड़े पैसों से शुरू हो जाता है और इतना आमर साहब, ये बिजनेस जो है ये आपने एक ही स्टाल लगा रखा है या इससे ज्यादा भी स्टाल है? मेरा एक ही स्टाल है। कल आपको पूछ करूँगा कि एक और लगाऊंगा। एक और जवाब साहब, आपसे एक काफ़ी सा सवाल है, आपने कितनी इन्वेस्ट की? ये तकरीबन 15-20 हज़ार 15-20 हज़ार से शुरू किया था। ये ट्राउज़र शीट टी शर्ट जो है आप कहाँ से परचेज किया? फैसलाबाद से लेकर आते हैं। यानी 15 हज़ार से आपने शुरू किया और फैसलाबाद से आपने 15 हज़ार से शुरू किया ये ट्राउज़र शीट टी शर्ट का जो बिजनेस है, फैसलाबाद से आप इसको परचेज करते हैं। एक राशि सा सवाल है कि आप 15 हज़ार आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपको मंथली कितना कितना बचा है? यानी अगर काम ज़्यादा हो तो 30 हज़ार भी बच सकता है। तो ये आप फैसलाबाद से लाते हैं, तो आपको सड़क के किनारे आप बैठे हैं, इसका कोई रेंट देते हैं या फ्री में बैठे हैं? फ्री में। कोई रेंट नहीं है, फ्री में बैठे हैं। फ्री में? बिल्कुल। रेली? तो आप क्या हमारे दोस्तों को पैगाम देना चाहेंगे कि जो बैठे हुए हैं, जो चाहते हैं कि काम करना, आप उनको क्या पैगाम देंगे? पहले तो है वो अपना नया माल, और नया माल के सब कुर्सी लगा रहे हैं, चाहे लगा रहे हैं, चाहे आसू लगा रहे, जो मर्जी लगा रहे हैं, बस अल्लाह ताला खुश कर। जी ये थे मेरे साथ अमर जवाद साहब, जिन्होंने बताया कि इंसान चाहे छापड़ी लगा ले और कोई रेड़ी लगा ले, कोई भी बिज़नेस जो है वो छोटा नहीं होता, अपना बिज़नेस अपनी शान होता है। और इन्होंने 15 हज़ार की इन्वेस्टमेंट की और अल्हम्दुलिल्लाह ये 20 हज़ार से 30 हज़ार कमा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कमा सकते? आप भी उठिए, आपके अंदर भी टैलेंट है, आप भी इतबार बन जाए और हमारे लिए कोई ना कोई रोज़गार तलाश करें, किसी ना किसी किसी सड़क के किनारे आप भी ऐसा स्टाल लगाएं और अपने लिए और अपने घर वालों के लिए कमाने वाले बन जाएं। बेरोजगारी का जो आपका लेबल लगा हुआ उसको उतारिए और रोज़गार के लिए आप ऐसा कोई ना कोई पॉइंट बनाएं ताकि आप भी अपने लिए कमा सकें, आपकी माशरे में इज्जत होगी। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, इंसान छोटे काम से हमेशा बड़े काम की तरफ जाता है। उम्मीद है कि आपको ये हमारा बिजनेस पसंद आया होगा। खुश रहें।